अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1B ऑफ चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर एंड द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 इज 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2। इनिशियली उसने बताया कि वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर के, फिर उसने बताया कि डिफरेंस लेना है हमने वाई की दो वैल्यू का, वैन एक्स इज इक्वल टू 1 होगा और एक्स इज इक्वल टू 3 होगा। यानी कि ये उसने ये दोनों जो कंडीशन दी हैं ये के को वैल्यू, के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दी है। यानी एक्स को हम पुट करेंगे 1, फिर 3, फिर दो क्वेश्चन बन जाएंगे, उनका हमें डिफरेंस बता दिया उसने वो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो उसकी मदद से हम के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें एट लास्ट पे हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हमें एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। तो इसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1B। तो इनिशली हमें गिवन है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन, और प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट के आ जाएगा और साथ एक्स स्क्वायर जो है एज इट इज आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इनिशियल उसने हमें गिवन दैट, क्या हमें गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। तो पुट कर देंगे हम, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स इन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन या अबव क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। दोनों अलग अलग हम पुट कर देंगे, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स की जगह एक जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर, और इसी तरह वाई इज इक्वल टू के इंटू 3 का स्केयर, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू 1, क्योंकि 1 का स्केयर 1 होता है। इसी तरह के इज इक्वल टू 3 का स्केयर कितना होता है, 9, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या है, 1 इंटू के या के इंटू 1 आ जाएगा हमारे पास के, और इसी तरह वाई इज इक्वल टू के इंटू 9 का आ जाएगा 9 के। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं के, यानी कि दो क्वेश्चन आ गई हैं जिसमें के इन्वॉल्व हो रहा है। और उसने हमें बताया कि जब हम एक्स की वैल्यू जो है 1 पुट करते हैं, यानी ये 1 पुट किया और 3 पुट करते हैं, तो फिर इन दोनों क्वेश्चन का हम डिफरेंस लें तो वो किसके इक्वल आता है, 32 के इक्वल आता है। तो सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव, अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन हम क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे यानी हमेशा बड़ी वैल्यू, ये देखें जिसका क्वेश्चन बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। यानी ये देखें इसका क्वेश्चन यहाँ पे के का कितना 9, इधर क्या 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब है यहाँ इसमें से हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी को सबट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस जब लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस उसने हमें बताया हुआ है, यानी कि दोनों हमने डिफरेंस ले लिया, 9 के माइनस के इज इक्वल टू किसके आ रहा है वो, 32 का। तो 9 में से 1 के जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 8 के इज इक्वल टू 32। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 32 का दूसरी तरफ जाकर ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगी 4, क्योंकि 4 8 का होता है 32। सो क्वेश्चन y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बिकम्स, क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू के की जगह क्या आ जाएगा, 4x2, ठीक है। ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई है कि के हमने बाई डिफरेंस हमने जो कंडीशन गिवन थी उससे फाइंड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है हमें कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी थी वो हमने बना ली है। अब हमने फाइंड करना है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अब वाई की। वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नाउ When x is equal to -2, तो इसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 by using क्वेश्चन 1 y is equal to 4x2, y is equal to 4, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं -2 का स्केयर, ठीक है। y is equal to 4 और -2 का स्केयर कितना होता है, 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
16, ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1B ऑफ चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, लाइक एंड